स्टूडेंट, इन आवर टुडेज क्लास आवर टॉपिक इज हाउ इज क्लॉथ मेड, कपड़ा कैसे बनता है. क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दे आर नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. कपड़ा हमेशा फाइबर्स से बनता है. फाइबर्स क्या होते हैं? रेशे होते हैं. टू टाइप्स ऑफ होते हैं फाइबर्स. कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नाउ नेचुरल फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, दे आर पोरस. नेचुरल फाइबर जो होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स से मिलता है. वे पोरस होते हैं. ओके, नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल क्या हैं? कॉटन प्लांट, कॉटन, जूट प्लांट, जूट, फ्लैक्स प्लांट से लिनन बनता है. ये सब कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है, जूट प्लांट से जूट फाइबर मिलता है और फ्लैक्स प्लांट से लिनन बनता है. पोरस क्या होते हैं? पोरस मीन्स जिनके आर पार हवा और वो पास हो सकता है. हवा पानी जिनके आर पार पास हो सकता है, ऐसे को बोलते हैं पोरस. ओके, नाउ सिंथेटिक फाइबर. नाउ एनिमल से क्या क्या फाइबर बनते हैं? देखिए, सिल्क मॉथ से सिल्क मिलता है, शीप से ऊल मिलता है. ओके, नाउ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स लाइक नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स. These are non-porous, waterproof and they dry faster than the natural fiber. Synthetic fiber जो होते हैं वो man-made होते हैं, मतलब इनको man खुद बनाते हैं factories में या अपने हाथ से. उनके examples क्या हैं synthetic fibers के? Nylon, rayon, polyester, ये और कई तरह के plastic, ये सब क्या हैं? Synthetic fiber हैं. ये non-porous होते हैं, मतलब इनमें से हवा और पानी पास नहीं हो सकती. ओके, इसीलिए ये जल्दी सूख जाते हैं. नेचुरल फाइबर्स की अपेक्षा सिंथेटिक फाइबर्स जल्दी सूख जाते हैं. देखिए, प्लास्टिक रेनकोट, इसमें से हवा पानी नहीं पास होती. नाइलॉन का पैराशूट, ओके, पॉलिस्टर सारी, दीज आर ऑल सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, डस्ट एंड कोल्ड. क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. क्लोथ्स कवर आवर बॉडी. They protect us from insect bites. They also help us to identify the job of a person. Clothes जो होते हैं वे हमें गर्मी, सर्दी और धूल से और बारिश से बचाते हैं. Clothes से हम स्मार्ट लगते हैं देखने में. वे हमारी बॉडी को कवर करते हैं. ये हमें इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं, अगर कोई कीड़े मकोड़ों के कट देते हैं उससे बचाते हैं. वे हमें ये बताते हैं कि किसी आदमी का जॉब क्या है, मतलब डॉक्टर डिफरेंट क्लोथ्स पहनता है, ड्राइवर दूसरे तरह के कपड़े पहनता है, तो उससे हमें पता लग जाता है उस आदमी का जॉब क्या है, मतलब वो क्या करता है. केयर फॉर क्लोथ्स. वी ऑल वॉन्ट टू वीयर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स टू स्टे हेल्दी. फॉर दिस वी हैव टू चेंज आवर क्लोथ्स एवरी डे एंड वॉश द डर्टी वंस इन क्लीन वाटर यूजिंग अ गुड डिटर्जेंट. वॉश्ड Clothes must be dried in bright sunlight. Sun rays kill certain germs and make them germs free. Washed clothes must be kept in the almirahs after drying. Woolen and silk clothes should be dry cleaned as they need special care. हम सभी को साफ और सूखे कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें. इसके लिए हमें अपने कपड़े रोज़ चेंज करने चाहिए और डर्टी क्लोथ्स को, गंदे क्लोथ्स को क्लीन वाटर में साफ़ करना चाहिए. कैसे? क्या यूज़ करना चाहिए साफ़ करने के लिए? डिटर्जेंट. डिटर्जेंट जो है वो सोप पाउडर होता है जो कि कपड़ों को धोने के लिए यूज़ किया जाता है. वॉश्ड कपड़े वॉश करने के बाद उनको तेज़ धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि सन रेज जो होते हैं कपड़े में उपस्थित जर्म्स को मार देते हैं और उसे जर्म फ्री कर देते हैं. कौन? सन रेज, सूर्य की किरणें. फिर वॉश्ड क्लोथ्स को हमको एलमिराज में सुखाने के बाद रख देने चाहिए. धुले हुए कपड़ों को एलमिरा में सुखाने के बाद रखना चाहिए. वूलन और सिल्क क्लोथ्स को हमें हमेशा ड्राई क्लीन करना चाहिए, क्योंकि उनको विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है. Woolen and silk clothes should be stored very carefully. The washed clothes should be left in hot sun for few hours and then stored along with some moth balls, naphthalene balls or dried neem leaves which act as disinfectants and prevent the clothes from the attack of insects. If the clothes are taken care properly, we can use them for several. If the clothes are taken care properly, we can use them for several years. वुलन और सिल्क क्लोथ्स को हमें स्टोर करना चाहिए, बहुत ध्यान से स्टोर करना चाहिए.
वॉश करने के बाद में उनको हॉट सन एकदम तेज़ धूप में कुछ घंटे रखना चाहिए। फिर उनको स्टोर करते समय उसमें मॉथ बॉल्स, नेपथलीन बॉल्स या ड्राई नीम लीम्स उसमें डाल देनी चाहिए, जिस जो क्या करती हैं ऐसे डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, मतलब इन्फेक्शन नहीं हो पाता है इनको कपड़ों के बीच में रखने से। इनको मॉथ बॉल्स, नेपथलीन बॉल्स और ड्राई नीम लीम्स को कपड़ों के बीच में रखने से इन्फेक्शन नहीं होता है और वो इंसेक्ट्स से भी कपड़ों को बचाते हैं। कभी कभी कपड़ों में कीड़े लग जा कीड़े कपड़ों को काट लेते हैं, उससे भी ये बचाते हैं। कौन? मॉथ बॉल्स, नेपथलीन बॉल्स और ड्राई नीम लीम्स। अगर हम क्लोथ्स को अच्छे से उनकी केयर करेंगे तो हम उनको कई साल तक पहन सकते हैं। अगर हम उनकी क्लोथ्स की केयर नहीं करेंगे तो हम जल्दी वो जल्दी फट जाते हैं और हम उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट। ओके, नाउ दिस मच फॉर टुडेज़ क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू चिल्ड्रन।